ग्वालियर जिले के अधिकांश प्राइवेट अस्पताल संचालक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रसूताओं की डिलीवरी नॉर्मल न करते हुए सीजर के जरिए कर रहे हैं। इनके पीछे उनकी मंशा सिर्फ पैसा कमाना है। पैसे के लिए वह इंसान का धर्म भूल रहे हैं। डॉक्टरों को उनका धर्म याद दिलाना एवं महिला शक्ति की शक्ति बचाने के लिए संकट मोचन हनुमान सेवा समिति के प्रमुख जगवीर दास ने अभियान छेड़ दिया है। इसी अभियान के तहत आज सांसद विवेक सेजवलकर एवं कांग्रेस विधायक सतीश सिंह सिकरवार और प्रवीण पाठक को ज्ञापन दिया गया। जगबीर दास ने कहा कि डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन आज हमारे यही भगवान पैसे को भगवान समझ बैठे हैं। आज हालत यह है कि अगर कोई गर्भवती महिला इनके यहाँ पहुँचती है तो उसे पहले तो नॉर्मल डिलीवरी का कहकर भर्ती कर लिया जाता है, उसके बाद तरह तरह के बहाने कर गर्भवती एवं उसके परिजन को डराकर सीजर कर दिया जाता है। ऑपरेशन करते वक्त यह लोग ये नहीं सोचते कि इस थोड़े से पैसे के लिए वह नारी शक्ति को कमज़ोर कर रहे हैं। प्रकृति ने हमें प्राकृतिक रूप से सभी तरह के अंग दिए हैं, फिर प्राकृतिक रूप से प्रसव क्यों नहीं हो सकते? क्या पहले हमारी माता बहनों के प्रसव नॉर्मल नहीं होते थे? जब जानवरों के प्राकृतिक रूप से प्रसव हो रहे हैं तो इंसानी महिलाओं को शारीरिक रूप से कमज़ोर क्यों किया जा रहा है? ज्ञापन देने वालों में चरण सेवक जगबीर दास, के अग्रवाल, किशन सिंह तोमर, दीपक श्रीवास्तव, सुरेश गोयल सहित कई बालाजी हनुमान सेवक मौजूद थे। उन लोगों का ऐसा मानना है कि नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सीजेरियन को प्राथमिकता दी जाती है अस्पतालों में, और डॉक्टर अपने फायदे के लिए इस तरह का करते हैं। इसके खिलाफ कोई कानून होना चाहिए, कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह के ज़बरदस्ती सामान्य प्रसूति संभव होने के बाद भी इस तरह के काम करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी मांग है, संबंधित जो अधिकारी होंगे उन तक उनकी ये मांग में पहुंचा दो। जो भी इनकी मांग है या वो, उसमें बहुत सारा टेक्निकल इश्यूज भी हैं। अब क्यों होता है सीजेरियन, क्यों करना पड़ता है, इसके डिटेल में जब कोई जाएगा तब जाकर के इसके बारे में कोई हल निकल सकता है। मैं संबंधितों को भेज दूंगा इनकी मांग, आश्वासन दिया। संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर गोलपाड़ा की ओर से हम सभी चरण सेवक की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो भारत में अप्राकृतिक रूप से पेट फाड़कर प्रसव कराए जा रहे हैं उसके विरोध में, ईश्वर के मार्गदर्शन में हम लोग विरोध कर रहे हैं और अभियान चला रहे हैं, और यह सुनिश्चित कराने का प्रयास कर रहे हैं शासन से, प्रशासन से, डॉक्टरों से कि वो सामान्य प्रसव कराने के लिए सुनिश्चित हों। इसी के तहत सबसे पहले कमिश्नर को ज्ञापन दिया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के लिए, उसके पश्चात ग्वालियर शहर के लिए मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन दिया कि वो प्राइवेट अस्पतालों पर बोर्ड लगवाएं, उसमें चार बातें लिखें। और आज हमने तय किया था कि शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने फोरम पर, अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, विधानसभा में, संसद में इस विषय को उठाएं, और जिस तरह कोरोना वैक्सीन बन गई उसी तरह ऐसा कुछ प्रयास करें जिससे सामान्य प्रसव होना सुनिश्चित हो। तो इसके तहत आज हमने माननीय सांसद ग्वालियर के विवेक सेजवलकर जी को ज्ञापन दिया, विपक्षी पार्टी कांग्रेस के विधायकों को भी, चूँकि जनप्रतिनिधि हैं ग्वालियर के, उनको भी ज्ञापन सौंपा, और माननीय मंत्री जी प्रद्युम्न पदमन सिंह जी को ज्ञापन देने का था लेकिन वो उपलब्ध नहीं हुए, उनके पास समय नहीं था, जिस कारण से हम ज्ञापन नहीं दे पाए।